हल्द्वानी में गोला पुल की अप्रोच रोड विगत दिनों बरसात में बह जाने के बाद से पुल में आवागमन बंद है, जिस वजह से गोलापार, चौर गलिया, खटीमा, टनकपुर सहित पर्वतीय इलाकों की तरफ हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला ये पूरा यातायात बाधित है, जिसको लेकर कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में दो बार प्रशासन को पुल को जल्द खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद अभी भी पुल का स्थलीय निरीक्षण हो रहा है। इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस ने गोलापार गोला पुल के पास चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने प्रशासन, NHAI और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जब पिछली बार 9,65,00,000 रुपए के गोला पुल में अप्रोच रोड का कार्य हुआ तो आखिर वह इस बार कैसे पानी में बह गया, उसकी जाँच होनी चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी यहाँ के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए जो है कृषि मंडी जाना पड़ता है, जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि मैं तेल में रहता हूँ, मेरी ग्राम सब लोग कैसे जाएंगे, मुझे ये समस्या आ रही है, क्योंकि हमारा गोलापुर जो है ये लगा दी कम से कम 2,000 की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है, टेम्पो का किराया बढ़ गया है, लोगों की आम जिंदगी कैसे गुजर बुजर कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। क्या भाजपा पर तो भरोसा रह नहीं गया? रही बात अधिकारियों की, वो खरबूजे को देखो, खरबूजा ऐसा रंग बदल रहा है कि उनको जनता की समस्याओं के बजाय टूटी सड़कें, उखड़े पुल, डेंगू फांड घूम रहे हैं, उनके बजाय उनको वो गोद में ले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे गली गली मोहल्ले घूम रहे हैं, उनकी तैयारी करा रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐसी बारात बन गई है ना, ऐसी शादी बन गई है जिसमें ना दूल्हा है ना दुल्हन है, ना बारात है, ना पंडाल है, ना पंडित जी है, कोई नहीं है, बस पूरे शहर भर में शामियाना लगा कर 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 करके बारात की तैयारी की जा रही है। निरंतर कांग्रेस मांग उठाती आ रही है। अगर आप अभी 1.5 महीने पहले का प्रकरण देखें विधानसभा का, पूरे प्रदेश में आपदा से सैकड़ों पुल, सैकड़ों सड़कें, पेयजल की लाइनें, बिजली की आपूर्ति पूर्णतः ध्वस्त हुई, और विधानसभा में जब नियम 310 में चर्चा की मांग हुई तो उसको नकार दिया गया। बमुश्किल नियम 58 में उस चर्चा को मात्र आधे घंटे के लिए स्वीकार किया गया, और आज हम स्वयं आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं की लाइफलाइन है ये गोला का पुल। क्षेत्र के लोग, चोरगलिया क्षेत्र के लोग, सितारगंज से आने वाले लोग, और जो आम टूरिस्ट भी है जो इस बाईपास का यूज करते हैं, इतनी पीड़ा और परेशानी में, और इतना जाम हल्द्वानी शहर में लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि 9,65,00,000 रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन के ऑडिट करने को तैयार है? मैं विश्वास मानने से बात परे है कि यहाँ पे 9,65,00,000 रुपए इस ब्रिज की रिपेयर में लगे, जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है, कोई RCC का काम नहीं हुआ है। हम लोगों को भी निर्माण कार्य की हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रहती है। गोलापार चौरगलिया के क्षेत्र के महान जनता ने 2000 कोर्ट में वोट दिया, बदले में प्राधिकरण मिला, प्राधिकरण लगा दिया, 2019 में वोट दिया BJP को, उसके जगह जो है आवारा पशुओं और हमारे बेसहारा पशु छोड़ दिए, जिससे किसानों को दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात को किसानी कर रहे हैं, 2024 में वोट दिया, पूरी धराशाही हो गया। मतलब अगर कारगोदाम का पुल अगर नहीं होता तो गोलापार के लिए काला पानी हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ आज गोमाता से पूरा गोलापार त्रैमाम कर रहा है, बैलों को पकड़ने के लिए तो 12,000 रुपए मिलेंगे, और गोमाता को जो है पकड़ने के लिए लावारिस छोड़ देगा। 25 करोड़ देवी देवता गोमाता में वास करते हैं। मैं गोमाता से कहना चाहता हूँ कि हे गोमाता, एक दिन सबने जाना है इस पृथ्वी से, क्योंकि धरती पकड़ सिंह कोई नहीं रहा। जब मरने के बाद बेतलनी नदी आप तराओगे ना, तो वहां पर जो है भाजपा के लोगों को मत कराना। यहाँ पर आने का हमारा उद्देश्य, दो वायदे हमने गोलापार की जनता से किए हैं कि आज हम सुमित भाई के और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद